मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। मैं एम चक्रवर्ती आप सभी विद्यार्थियों का आपका अपना चैनल पर स्वागत करता हूं। हम लोग इतिहास के श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज मौर्य साम्राज्य को देखेंगे। हम लोग पिछले क्लास में देखे बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य में प्लासी का युद्ध और बक्सर के युद्ध को। आप लोग जो विद्यार्थी आज पहली बार आप देख रहे हैं, जो नहीं देखे हैं, वो दोनों चैप्टर दोनों टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के लिए। आप वहां से जाकर देख लें, आप प्लेलिस्ट से जाकर वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आज हम लोग का टॉपिक लिए हैं मौर्य साम्राज्य। क्या टॉपिक है? मौर्य साम्राज्य। तो चलिए, मौर्य साम्राज्य में सबसे पहला टॉपिक हम लोग लेते हैं कि इसके परिचय हम लोग देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, मौर्य साम्राज्य का बेसिक परिचय क्या है, कहाँ से शुरुआत हुआ है, इसके क्या स्रोत हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में, उस सब बातों को देखते हुए हम लोग पहले शासक चंद्रगुप्त की ओर धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मौर्य साम्राज्य में हम लोग आते हैं, इसका कुछ बेसिक परिचय ले लेते हैं और उसके बाद हम लोग टर्म चालू करेंगे। और ध्यान दीजिएगा, वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। आप जब तक आप लास्ट तक नहीं देखेंगे तो सिर्फ आप लिख लेने से, या मान लीजिए कि आप इसको उतार लेते हैं, तो उससे आपको समझ में नहीं आएगा। आप इसको अच्छे तरीके से सुन लीजिए, एक बार समझ लीजिए कि कह क्या रहा है, ठीक है ना, कहाँ टर्म क्या कहता है, उसको समझने के बाद अगर आप याद करेंगे तो आपको जल्दी आसान होगा और लॉन्ग टाइम आपके दिमाग में बनेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं मौर्य साम्राज्य को। तो चलिए, मौर्य साम्राज्य में सबसे पहले मौर्य एम्पायर कब से कब तक चला था? तो 322 ईसा पूर्व से 150 ईसा पूर्व तक, ठीक है ना, ईसा पूर्व। ध्यान दीजिएगा, 322 ईसा पूर्व से 150 ईसा पूर्व तक का जो समय रहा वो मौर्य साम्राज्य का समय रहा। मौर्य साम्राज्य का पूछेगा संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। किसकी सहायता से? ध्यान दीजिएगा, मौर्य वंश का स्थापना जो हुआ है इस किसकी सहायता से, काफ़ी मुख्य सवाल है। तो देखेंगे, चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य, एक ही व्यक्ति का चाणक्य नाम भी है, विष्णुगुप्त भी नाम है और कौटिल्य भी नाम है। तो चंद्रगुप्त मौर्य हैं जो चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य की मदद से मौर्य वंश की गद्दी को प्राप्त किए, मौर्य वंश की गद्दी को प्राप्त किए। अब समझिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी हैं चाणक्य, और अपनी जो इनका जब राज विस्तार करते हैं तो उसमें प्रधानमंत्री के पोस्ट को भी संभाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कहेगा चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन? तो चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री का पोस्ट किनको मिला था? तो चाणक्य को मिला था। अब अगला इंपॉर्टेंट बात आता है, किसको हराकर? तो नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर, नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर। देखेंगे कहानी क्या था कि चंद्रगुप्त मौर्य एक असाधारण बालक हैं, इनको मतलब किसी इनके वंश का क्या अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन चाणक्य जो हैं एक ज्ञानी पुरुष, काफ़ी नॉलेज इनके पास, समझ गए ना, एक अच्छा ज्ञान इनके पास था। और ये जाते हैं नंद वंश के जो शासक घनानंद है उनके दरबार में जाते हैं। घनानंद इसका तिरस्कार कर देता है, घनानंद क्या कर देता है? तिरस्कार। तो कहा गया भी है कि अगर आप मूर्ख का तिरस्कार करते हैं कोई बात नहीं, लेकिन अगर ज्ञानी मानव का अगर आप तिरस्कार कर देते हैं तो आपके साम्राज्य का समझे कि नाश होना निश्चित है। और वही ध्यान दीजिए, मन में बदला का भावना लेते हैं चाणक्य, और एक व्यक्ति ऐसे ही असाधारण बालक को जिसका नामकरण भी चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के हैं उठाते हैं वहां से, ठीक है ना, और नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराने में इनकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अगर मान लीजिए चाणक्य नहीं होते तो चंद्रगुप्त मौर्य भी नहीं बनते, ठीक है ना, और नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हरा पाते, क्योंकि मगध का उस समय बहुत शक्तिशाली, बहुत सबसे बड़ी सेना थी नंद वंश के घनानंद के पास, ठीक है ना। सिकंदर की सेना ने, ध्यान दीजिएगा, सिकंदर की सेना ने सिर्फ घनानंद के सैनिक के बारे में सुनकर ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। इतनी बड़ी सेना था घनानंद के पास, लेकिन उसके बावजूद भी चाणक्य के बुद्धिमता से, कुटिलता से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हरा दिया और एक नया वंश लाता है जिसका नाम क्या दिया गया? मौर्य वंश, जो कि काफी पॉपुलर रहा और पूरे भारत पर, ध्यान दीजिएगा, मौर्य वंश का जो था पूरे भारत पर, पूरे भारत कहने का मतलब आज जो आप म्यांमार, बांग्लादेश, ये सब जो क्षेत्र देख रहे हैं, पाकिस्तान, ये सब पूरा भारत था उस समय। आप नेपाल वगैरह तक अगर उधर हिस्सा चले जाइए, अरुणाचल के बाद उधर चाइना से जो हमारा हिस्सा लगा, वो बहुत सारे क्षेत्र पर, मतलब समझिए एक अखंड भारत का, एक अखंड
भारत का ये नींव रख देते हैं कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। पूरे भारत को साम्राज्य को जीतने वाले एक अकेले शासक कौन, चंद्रगुप्त मौर्य, उन्हीं के बारे में हम लोग को पढ़ना है। चलिए साहित्यिक स्रोत में सबसे पहले आते हैं कि साहित्यिक स्रोत में क्या है, तो देखेंगे अर्थशास्त्र एक पुस्तक मिलता है, कौन पुस्तक, अर्थशास्त्र, जिसके रचनाकार चाणक्य हैं, कौटिल्य हैं या विष्णुगुप्त हैं। तो देखेंगे क्या कहता है अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मतलब लेखक कौन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र, मौर्य वंश के राज व्यवस्था, मौर्य वंश के राज व्यवस्था के विस्तृत जानकारी देता है, कहेगा हम लोग से कि मौर्य वंश के बारे में, मौर्य वंश की राज व्यवस्था के बारे में पूरी जानकारी या विस्तृत जानकारी कहां से मिलेगी, तो कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र। कह देगा कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन था, कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त, जिससे किसका जानकारी मिलेगा, मौर्य वंश के राज व्यवस्था के विस्तृत जानकारी देता है। अगला टर्म देखेंगे, अर्थशास्त्र में राज के 7 अंगों का वर्णन किया गया है, जो चाणक्य हैं वो अर्थशास्त्र में राज के 7 अंगों का वर्णन किए हैं, कौन कौन, स्वामी जिसको राजा कहते थे, आमत्य जो कि मंत्री होता था, मित्र, सेना, कोष, दुर्ग किला और जनपद, ये 7 अंगों का चर्चा कौन किए हैं, चाणक्य, कहाँ किए हैं, तो अपने पुस्तक अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र में। फिर से स्वामी, आमत्य, मित्र, सेना, कोष, दुर्ग और जनपद, इस 7 अंगों का चर्चा किए हैं, कौन किए हैं, तो चाणक्य किए हैं, कहाँ किए हैं, किस पुस्तक में, तो अर्थशास्त्र पुस्तक में। अब देखेंगे अगला, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है, अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली की पुस्तक प्रिंस से किया गया है, कहेगा अर्थशास्त्र का तुलना चाणक्य की जो अर्थशास्त्र पुस्तक है उसकी तुलना किससे किया गया है, तो मैकियावेली की पुस्तक, मतलब लेखक कौन है, मैकियावेली की पुस्तक प्रिंस से किया गया है। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे, अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली की प्रिंस पुस्तक से की गई है। अगला टर्म देखेंगे नोट में ही, अर्थशास्त्र को किस भाषा में लिखा गया, तो संस्कृत भाषा में। पूछेगा अर्थशास्त्र किस भाषा में लिखा हुआ पुस्तक है, तो संस्कृत भाषा में। अर्थशास्त्र का संबंध किससे है, तो राजनीति से। अर्थशास्त्र का संबंध किससे है, तो राजनीति से है। अर्थशास्त्र का संबंध किससे है, राजनीति से। अब अगला पुस्तक आता है मुद्रा राक्षस। अर्थशास्त्र के बाद ध्यान दीजिएगा, अर्थशास्त्र में क्या बताते हैं, तो राज व्यवस्था का जानकारी, राज के 7 अंगों का चर्चा, अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली पुस्तक से किया गया है या संस्कृत भाषा में है, और अर्थशास्त्र का संबंध किससे था, तो राजनीति से। किससे, राजनीति से। मुद्रा राक्षस देखेंगे, तो मुद्रा राक्षस में सबसे पहला पॉइंट आएगा कि लेखक कौन, तो विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन, विशाख दत्त। तो विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस में नंद वंश के पतन और मौर्य वंश के उत्थान के बारे में जानकारी मिलता है। तो कहेगा नंद वंश के पतन का, जो कि अंतिम शासक कौन है, घनानंद, और मौर्य वंश के उत्थान, मतलब उसके प्रगति का जो जानकारी मिलेगा, कहाँ मिलेगा, मुद्रा राक्षस में। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन, तो विशाख दत्त। तो मुद्रा राक्षस में क्या मिलता है, तो फिर से ध्यान दीजिएगा, नंद वंश के पतन का जानकारी और मौर्य वंश के उत्थान अर्थात प्रगति का, और मुद्रा राक्षस के लेखक कौन, विशाख दत्त। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पुस्तक इंपॉर्टेंट पुस्तक है इंडिका, जिसके लेखक है मेगास्थनी। ध्यान दीजिएगा, यूनानी लेखक है मेगास्थनी, यूनान से आए थे सेल्कस निकेटर का राजदूत बन के, ध्यान दीजिएगा, उसका भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन अभी पुस्तक के बारे में। तो इंडिका के लेखक कौन, मेगास्थनी। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन, मेगास्थनी। तो मेगास्थनी की इंडिका में मौर्य काल के प्रशासन, समाज और अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डालता है। जो मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक है उसमें मौर्य काल के प्रशासन का, समाज का और अर्थव्यवस्था पर वो प्रकाश डालता है। कौन पुस्तक, तो मेगा इंडिका, जिसके लेखक कौन है, मेगास्थनीज। एक जस्टिन है, यूनानी लेखक है, ध्यान दीजिएगा इसके अनुसार क्या कहा गया, यूनानी लेखक जस्टिन के अनुसार, यूनानी लेखक जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सारे भारत पर विजय प्राप्त कर लिया। ध्यान दीजिएगा, अभी हम बता रहे थे कि चंद्रगुप्त मौर्य है जो पूरे भारत को जीते, कहेगा किसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य पूरे भारत को जीतने का काम किए, तो यूनानी लेखक जस्टिन, यूनानी लेखक जस्टिन के अनुसार। ध्यान दे रहे हैं बच्चे, यूनानी लेखक जस्टिन के अनुसार जीतने का काम, पूरे भारत को जीते हैं, इसके बारे में जानकारी कौन देता है, यूनानी लेखक जस्टिन देता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सारे भारत पर विजय प्राप्त कर लिया। अब देखेंगे, एक श्रीलंका का सिहली साहित्य है, दीपवंश एवं महावंश, दीपवंश एवं महावंश, श्रीलंका का साहित्य जिसको सिहली साहित्य भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, दीपवंश एवं महावंश। इसके अनुसार अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार श्रीलंका में किया। ध्यान दीजिएगा, पुत्र
महेंद्र और पुत्री संगमित्रा को अशोक है जो बौद्ध धर्म में प्रचार के लिए भेजते हैं, इसके बारे में जो जानकारी मिलता है दीपवंश एवं महावंश से। तो आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के ही पोता कौन है, अशोक हुए। चंद्रगुप्त मौर्य के पोता कौन, अशोक हुए। तो किसके कहेगा कि किस पुस्तक के अनुसार यह पता चलता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार श्रीलंका में करवाया था, तो दीपवंश एवं महावंश, दीपवंश एवं महावंश, ठीक है। श्रीलंका में प्रचार प्रसार किसे भेजा था अशोक ने, तो अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संगमित्रा को। अशोक के समय तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, ध्यान दीजिएगा, जो तीसरा बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ गया था, तीसरा बौद्ध सभा का सम्मेलन हुआ था, ठीक है ना, वो किसके समय हुआ था, अशोक के समय। इसका भी जानकारी हमें कहां से मिलेगा, दीपवंश एवं महावंश से, क्योंकि अशोक है जो अपने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लेता है, जिसमें हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। चलिए जूनागढ़ अभिलेख, ध्यान दीजिएगा, जूनागढ़ अभिलेख, तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख जो कि संस्कृत में लिखा हुआ है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख किसमें, संस्कृत में। तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य के नाम का उल्लेख किया गया, चंद्रगुप्त मौर्य के नाम का उल्लेख किया गया है। कहेगा चंद्रगुप्त मौर्य के नाम का उल्लेख कहां मिलता है, तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में। चंद्रगुप्त मौर्य के नाम का उल्लेख कहां मिलेगा, तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में मिलेगा। अब देखेंगे इसमें मौर्य काल में निर्मित सुदर्शन झील की जानकारी मिलता है। देखेंगे जूनागढ़ अभिलेख में क्या होगा, मौर्य काल में निर्मित सुदर्शन झील का भी जानकारी मिलेगा। आई सुदर्शन झील, ध्यान दीजिएगा, सुदर्शन झील कहां है, तो सौराष्ट्र गुजरात में। सुदर्शन झील कहां है, सौराष्ट्र गुजरात में। इसका निर्माण कौन करवाया था सुदर्शन झील का, ध्यान दीजिएगा, तो सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था पुष्यमित्र वैश्य द्वारा, पुष्यमित्र वैश्य द्वारा करवाया गया था। जूनागढ़ अभिलेख से क्या मिलता है, तो संस्कृत भाषा में सबसे पहला कि जूनागढ़ अभिलेख किस भाषा में, तो संस्कृत भाषा में। चंद्रगुप्त मौर्य के नाम का उल्लेख मिलता है और मौर्य काल में जो सुदर्शन झील बना गया था उसका भी जानकारी मिलता है। कहाँ, तो सौराष्ट्र में। बनाने वाला कौन था, पुष्यमित्र वैश्य था। सर्वप्रथम नोट करके लिखिएगा, सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य के नाम का उल्लेख किया है। कहेगा सबसे पहले विलियम जोन्स के, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले विलियम जोन्स ने, ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के नाम का उल्लेख किया। तो कहेगा किसने चंद्रगुप्त मौर्य के नाम का उल्लेख सबसे पहले किया है, तो विलियम जोन्स। कौन इतिहासकार, विलियम जोन्स ने। सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य के नाम का उल्लेख किया है। ये हम लोग साहित्यिक स्रोत देख लिए कि क्या क्या इसका पृष्ठभूमि था मौर्य साम्राज्य पढ़ने से पहले। अब इसी में हम लोग पढ़ेंगे पहला शासक कौन हुए, चंद्रगुप्त मौर्य, उसी को चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चलिए बच्चों, तो हम लोग मौर्य साम्राज्य में बढ़ते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के परिचय की ओर, ठीक है। चंद्रगुप्त अभी हम लोग देख रहे थे साहित्यिक स्रोत, अब उसी में हम लोग देख रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य का कुछ बेसिक परिचय। तो सबसे पहला पॉइंट देखेंगे, नोट करके आप लोग लिखिएगा इसको, कि चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। कहेगा प्रथम भारतीय साम्राज्य कौन स्थापित करता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य। भारत में प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित करने का श्रेय किसको दिया गया, चंद्रगुप्त मौर्य को। जन्म इसका है 345 ईसा पूर्व, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब, 345 ईसा पूर्व। अन्य नाम देखेंगे, जस्टिन के अनुसार इसको सेंड्रोकोटस कहा गया है, चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है, सेंड्रोकोटस। प्लूटार्क के अनुसार एंड्रोकोटस। कहेगा चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस किसने कहा, तो जस्टिन ने। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस किसने कहा, जस्टिन ने। चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस किसने कहा, प्लूटार्क ने, प्लूटार्क ने। और दो नाम है मुक्तिदाता और शाकाहारी, मुक्तिदाता और शाकाहारी। चंद्रगुप्त मौर्य के अन्य नाम सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस, मुक्तिदाता और शाकाहारी। चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह कर्नेलिया हेलेना के साथ होता है, जो कि सेल्क्यूस निकेटर की पुत्री, विवाह कर्नेलिया हेलेना। गुरु का नाम चाणक्य, गुरु का नाम चाणक्य। और ये भद्रबाहु से जैन धर्म के शिक्षा लिए हैं, ध्यान दीजिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे जैन धर्म का अनुयायी थे। पूछेगा किस धर्म को मानने वाले थे, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानते थे, जैन धर्म को। तो जैन धर्म का शिक्षा कौन दिया था, भद्रबाहु। कौन दिया, भद्रबाहु। कहेगा चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म का शिक्षा कौन दिया था, भद्रबाहु। तो जैन गुरु का नाम क्या देंगे, भद्रबाहु। सिर्फ गुरु बोलेगा तो चाणक्य, सिर्फ गुरु बोलेगा तो चाणक्य। मृत्यु 298 ईसा पूर्व श्रवण बेलगोला कर्नाटक में, मृत्यु 298 ईसा पूर्व श्रवण बेलगोला कर्नाटक में, श्रवण बेलगोला कर्नाटक में। इन क्लियर है कि किस धर्म को मानते थे, जैन धर्म को मानते थे। जैन गुरु का नाम भद्रबाहु, अन्य नाम में सेंड्रोकोटस,
एंड्रोकोटस मुक्तिदाता शाकाहारी, मृत्यु 298 ईसा पूर्व, सरवन बेलगोला कर्नाटक, सरवन बेलगोला कर्नाटक। चलिए अगला ध्यान दीजिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन? चाणक्य। बताए भी हैं गुरु भी और प्रधानमंत्री भी। ब्राह्मण साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र माना गया है। कहिए किस साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र माना गया है? तो ब्राह्मण साहित्य में। लेकिन जैन धर्म और बौद्ध धर्म साहित्य में, जैन साहित्य में और बौद्ध धर्म के साहित्य में मौर्य कुल का क्षत्रिय माना गया, मौर्य कुल का क्षत्रिय। तो कहेगा चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य कुल का क्षत्रिय कहां से पता चलता है? तो जैन धर्म और बौद्ध साहित्य से। फिर पूछेगा किस चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र माना गया किसके अनुसार? तो ब्राह्मण साहित्य के अनुसार, ब्राह्मण साहित्य के अनुसार। अगला मुख्य इंपॉर्टेंट टर्म है चंद्रगुप्त मौर्य और यूनानी शासक सेल्कस निकेटर। चंद्रगुप्त मौर्य और यूनानी शासक सेल्कस निकेटर के बीच में 305 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ। कहेगा सेल्कस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य, सेल्कस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में लड़ाई कब हुआ है? तो 305 ईसा पूर्व में। सेल्कस निकेटर कहाँ का शासक है? यूनानी का। चंद्रगुप्त मौर्य भारत का। जीत किसका होता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य का इस युद्ध में जीत हो जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य इस युद्ध में जीत जाते हैं। और हार कौन जाता है? सेल्कस निकेटर हार हो जाता है। ध्यान दीजिएगा 305 पूर्व में सेल्कस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य के बीच लड़ाई हुआ है, इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य जीता है। और एक चीज याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, ये तीनों लगातार जो शासक आएंगे अपने जीवन में एक भी लड़ाई नहीं हारे हैं, एक भी लड़ाई नहीं हारे हैं। अगला, संधि के अनुसार सेल्कस निकेटर ने 5 क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को दिया। जब लड़ाई में हरा देते हैं सेल्कस निकेटर को तो संधि के अनुसार 5 वो क्षेत्र मिलता है। कौन कौन? काबुल, कंधार, मकरान, हेरात, बलूचिस्तान। काबुल, कंधार, मकरान, हेरात और बलूचिस्तान सेल्कस निकेटर किसको देता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। लेकिन अब चंद्रगुप्त मौर्य भी खाली हाथ नहीं भेजेंगे, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी सेल्कस निकेटर को उपहार स्वरूप देता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी उपहार स्वरूप दिया किसको? सेल्कस निकेटर को। और सेल्कस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना या कर्नेलिया, अपनी पुत्री हेलेना या कर्नेलिया, एक ही नाम है हेलेना या कर्नेलिया, दोनों नाम मिलता है, एक ही का नाम है, उसका विवाह किससे करवा देते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य से, चंद्रगुप्त मौर्य से। इस युद्ध का वर्णन ध्यान दीजिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्कस निकेटर के बीच जो युद्ध हुआ हो उसका वर्णन एपियानस ने किया है। कौन किया है? एपियानस ने। पूछेगा क्वेश्चन कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्कस निकेटर के बीच जो युद्ध हुआ उसका वर्णन कौन किया? एपियानस ने किया। प्रथम जैन संगीति का आयोजन कौन किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य। प्रथम जैन संगीति का पूछेगा आयोजन किसने किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य बोलिएगा, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुआ था कहाँ? तो पाटलिपुत्रा में। प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके समय? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। कहाँ? तो पाटलिपुत्रा में, जिसका अध्यक्ष बना था स्थूलभद्र। अध्यक्ष कौन बना? स्थूलभद्र। फिर से, प्रथम जैन संगीति चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। कहाँ? तो पाटलिपुत्रा, जिसको आज भी हम लोग पटना के नाम से जानते हैं। अध्यक्ष स्थूलभद्र बने थे। अब देखेंगे तीन गोट आप लोग का नोट में लिखवा है, क्वेश्चन है कि किसने सेंड्रोकोटस अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य, ध्यान दीजिएगा, किसने सेंड्रोकोटस को ही हम लोग क्या कहते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य। देखेंगे सेंड्रोकोटस जस्टिन का था ना, तो वही कह रहा है। किसने सेंड्रोकोटस और सिकंदर की भेंट का उल्लेख किया है? तो जस्टिन। कौन भेंट उल्लेख किया है? जस्टिन। और जस्टिन ही सेंड्रोकोटस को क्या नाम दिया, चंद्रगुप्त मौर्य को क्या नाम दिया था? सेंड्रोकोटस। ध्यान दीजिएगा, जस्टिन के अनुसार इसको क्या कहा गया था? सेंड्रोकोटस कहा गया। अगला, गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था यह प्रमाणित होता है। गुजरात जो अभी हम लोग गुजरात देख रहे हैं ना, गुजरात जो है चंद्रगुप्त मौर्य के भी साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित कहाँ से होगा? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से प्रमाणित होता है कि गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल था। वह अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर, चंद्रगुप्त मौर्य, ध्यान दीजिएगा, मौर्य लिख लीजिएगा आप लोग, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, ठीक है। किस अभिलेख से पता चलेगा या प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। तो बच्चों, अभी हम लोग का आज का जो क्लास आप लोग का है, सेशन है, यहीं समाप्त करते हैं। कल मौर्य साम्राज्य में
हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, इसी के आगे, क्योंकि यह लंबा टॉपिक है। एक ही वीडियो में आप लोग थोड़ा सा क्या हो जाएगा, अनकंफर्टेबल महसूस करिएगा, आप उलझ जाइएगा, ठीक है ना, सही तरीके से ध्यान नहीं दे पाइएगा। और कोई ज़रूरत नहीं कि एक ही दिन हम सब सीख लाएँ, धीरे धीरे हम लोग आराम से सीखते चलेंगे। तो कल इसी के आगे हम लोग दूसरे पार्ट में मिलते हैं, तब तक मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चे चंद्रगुप्त मौर्य के साहित्यिक स्रोत और चंद्रगुप्त मौर्य का जो बेसिक परिचय था वहाँ से आप सभी प्रश्नों को याद कर लेंगे और टेस्ट सीरीज इसका आप जरूर लगा लें। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।